हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नुमान मकसूद और मेरे साथ मौजूद है शानी भट्टी और मंसूर भट्टी साहब। और आज हम इस वीडियो में जो है ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है, और आज हम इस वीडियो में जो है वो मंसूर भट्टी साहब के साथ मिलकर जो है एक वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं, यानी दीपक केलाल साहब की जो है वो रिसेंटली जो है वो एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई, यानी कि उनको किसी ने जो है वो रोड के ऊपर पकड़ कर काफ़ी जो है दीपक का ही जो है वो काम तमाम कर दिया, यानी कि काफ़ी जो है उनकी पिटाई की एक दीपक बंदे ने ही। तो ऐसे में जो है हम उसी वीडियो के ऊपर जो है वो रिएक्ट करने वाले हैं। तो ऐसे में जो है ये एक कोलैबोरेशन वीडियो है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। सोशल मीडिया पर इंटरनेट सेंसेशन दीपक कलाल का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दीपक कलाल एक आदमी से मार खाते दिख रहे हैं। इतना ही नहीं, वो आदमी दीपक को बुरा भला बोल रहा है और आरोप लगा रहा है कि उसके ऊटपटांग वीडियोस को देखकर बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसको ये काम बंद कर देना चाहिए। और इस वीडियो में दीपक उस आदमी सही में पिटाई कर रहा है यार, माफी मांगते हुए भी ये वादा कर रहे हैं कि वो आगे से ऐसे वीडियोस नहीं डालेंगे। आपको बता दें कि वायरल हो रहे इस वीडियो को गुरुग्राम का बताया जा रहा है, और इस वीडियो में जो शख्स लग रहा है WWE का बंदा दीपक नंदल, लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जहां कुछ लोग इस वीडियो को देखकर खूब हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि दीपक कलाल के साथ जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ है। तो वहीं भारी मात्रा में ऐसे भी लोग हैं जो दीपक के साथ हुई इस बदसलूकी से खासा नाराज है। आपको बता दें कि ये वो लोग हैं जो ना तो दीपक कलाल के फैन हैं और ना ही वो दीपक कलाल के जिनकी नजर में ऐसे सरेआम किसी की पिटाई करना कानूनी अपराध है। बिल्कुल शी इज राइट, गुस्सा फड़का है। और अब दीपक कलाल को इंसाफ दिलाने के लिए हरियाणा और दिल्ली पुलिस तो एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल लेना चाहिए एक्शन। जाके किसी को भी ऐसे मारो। इफ यू डोंट लाइक टू वॉच हिज वीडियोस, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर हिम। आरआईपी ह्यूमैनिटी। मुंबई पुलिस प्लीज टेक सम एक्शन। And Delhi Police. Sir, famous YouTuber Deepak Kalal beaten in Delhi today. See this video. The person who beat is Deepak Nandal. His Facebook link. At Delhi Police, at Haryana Police, at Arvind Kejriwal. This guy has beaten Deepak Kalal and threatened him on road. Please take immediate action on this. Yes, immediately, right now. He have to. Who takes law in their hands? Yes. You have to punish. The legal action must be taken. I don't like Deepak Kalal's content, but still, in order of safety of Indian YouTubers, some Deepak Nandal has done this in public. Will any action be taken against that person who is trying to be a masiha or caretaker of society out, thereby taking law into his hands? Yes. Whatever is the case, hitting someone is totally against the law, and this guy should be penalized. कल दीपक कलाल के साथ जो कुछ भी हुआ है उसे लेकर हम लोग सोशल यस व्हाटएवर बट ही हैव नो राइट, ही हैव नो राइट्स टू बीट हिम ऑन द रोड। और इतना ही नहीं, लोग अब दीपक नंदल नाम के शख्स के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की yes. बात कर रहे हैं। खैर, अब इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या दीपक नंदल नाम के शख्स के खिलाफ क्या कहें यार इस वीडियो के बारे में, यानी कि काफ़ी दीपक के लाल साहब की धुलाई की है दीपक ने, ठीक है। तो ऐसे में काफ़ी जो है ये आई थिंक सो अगर कंटेंट की वजह से की है, और उनका यही कहना है कि उनके कंटेंट की वजह से, उनकी वीडियोस की वजह से जो है वो नई जनरेशन ख़राब हो रही है। तो ऐसे में जो है ये पुलिस को यानी कि लीगल एक्शन लेना चाहिए, ना के पब्लिक को। तो ऐसे में काफ़ी जो है वायलेंस करना भी ऑन द रोड ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो अगर ऐसे में उनकी पिटाई की है काफ़ी, जो कि मैं देख ही रहा हूँ काफ़ी उनको जो है मुक्के ठुड्डे, ठीक है, बहुत हैवी किस्म की पिटाई की है। तो ऐसे में जो है ये भी एक मतलब हम कौन होते हैं कि किसी का भी इंसाफ करने वाले। तो ऐसे में जो है इंसाफ करने के लिए कानून वगैरह बनाए गए हैं, यानी कि लॉज वगैरह। तो ऐसे में जो है लॉ के मुताबिक जो है वो चलना चाहिए था, और अगर इन्होंने जो है एक्शन लेना ही था तो वो भी लीगल
लीगली तौर पर एक्शन लेना चाहिए था। तो ऐसे में जो है थोड़ा सा मंसूर भट्टी साहब का भी जो है वो इस वीडियो के बारे में ओपिनियन जान लेते हैं कि आखिर उनको ये जो वीडियो है दीपक केलाल की काफी पिटाई हुई है, ये उनको उनके उनका ओपिनियन क्या है और कैसी उनको ये वीडियो लगी। थैंक यू वेरी मच नुमान मकसूद फॉर हैविंग मी ऑन दिस ग्रेट कोलैबोरेशन विद यू। और मैंने वीडियो को पहले बिल्कुल भी नहीं था देखा, और जब आपके साथ इस बारे में मेरे यानी कि शेयर आपने किया कि इसके ऊपर हम कुछ करते हैं, तो आई वॉज रियली लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो जिस तरह से पहले कभी कश्मीर में वीडियो बन रही है, कभी राखी सावंत के साथ वो वीडियोज बना रहे हैं, तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये तो वीडियो देख के भाई मैं तो खुद हैरान रह गया, दीपक का दीपक बुझाने एक और दीपक आ गया, यानी कि ये तो इट वॉज लाइक रियली शॉकिंग टू मी। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से वीडियो के अंदर भी बात हो रही थी कि दो पार्ट्स बन चुके हैं, पूरे दो ग्रुप्स बन चुके हैं इस सारे सिनेरियो को लेके, तो अगर देखा जाए तो बिल्कुल किसी हद तक ये बात गलत भी है और सही किसी हद तक नहीं होगी। लेकिन चाहे वो लड़का जिस तरह से भी काम कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, कंटेंट उसका ऑब्वियसली किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन क्यों वो वायरल क्यों हुए कि लोग पसंद करते हैं नहीं करते लेकिन देखते जरूर है उसके कंटेंट को, तो शायद इसी वजह से वो ट्रेंडिंग पे भी कई बार गया है, यूट्यूब के ऊपर बहुत बार ट्रेंडिंग पे गया है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए आप यानी कि इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज जो वो काम कर रहा है वो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पॉपुलर तो है। और जहां तक दूसरी बात रही कि दीपक जो दूसरे वाले जनाब थे जिन्होंने आके उनकी खातिर तवाजा की, अगर उनकी बात करें तो किया उन्होंने बिल्कुल गलत, इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां तक सोशल मीडिया और पुलिस की बात है कि जहां पे बात हो रही है कि पुलिस ने बिल्कुल उनके साथ अच्छा रिएक्ट नहीं किया, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, तो बिल्कुल पुलिस को एक्शन लेना चाहिए इस बात के ऊपर, क्योंकि जैसा भी है जिस तरह का भी उसका कॉन्टेंट है वो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो जो भी है जैसा भी है वो उसकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन है कि ये चीजें जो है कि पब्लिकली कम से कम नहीं होनी चाहिए, ये भी नहीं कि अब मेरे कहने का मतलब है कि कमरे में लेके जाके उसे मारना शुरू कर देते, लेकिन है कि फिर भी जहां तक भी है वी आल्सो कंडम दैट वन एज़ वेल। यहां पर जो है थोड़ा सा हम शानी भट्टी साहब का भी जो है वो ओपिनियन ले लेते हैं कि कैसी उनको वीडियो लगी और कैसी पिटाई हुई, यानी कि दीपक लाल साहब। मेरा ख्याल है कि जैसे कह रहे हैं कि दीपक लाल को मार पड़ी है, उनकी वीडियो कुछ ऐसी हैं, अगर किसी ने ख़राब होना है तो इंटरनेट वैसे ही एक जो है ना आपको पता है सोशल मीडिया क्या है, ठीक है, जिसने ख़राब होना उसने हो ही जाना है। आप अपने बच्चों के साथ नहीं होते, आप अपने बच्चों को देखते नहीं हैं वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ठीक है, तो आप अभी बेफजूल किसी को रोड पे ऐसे पिटाई करने, मैं कहता हूँ कि ये जो भी किया अच्छा नहीं हुआ, ये बेसिकली जो है ना कानून को करना चाहिए था, ये खुद हमें हम किसी के जज नहीं है। कभी भी जो है वो कानून जो है कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए, और ऐसे में जो है कभी भी अगर वायलेंस जो है वो भी एक यानी के गैर कानूनी है, तो ऐसे में जो है दीपक जो भी है नंदल जो भी है इनके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए और स्ट्रिक्टली जो है इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि किसी के भी हाथ में नहीं है कि वो किसी के भी खिलाफ या किसी के भी साथ ऐसे बदसलूकी करे, वो भी ऑन द रोड। तो ऐसे में जो है मंसूर भट्टी साहब का भी हम करते हैं शुक्रिया, यानी कि उन्होंने हमें अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम दिया। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, और मैं आपको कंप्लीटली फॉलो करता हूँ आपके सारी वीडियोस को, और स्पेशली जो आपके साथ ये करेक्टर बैठे हुए हैं जो कभी हनी सिंह बन जाते हैं कभी कुछ, आई रियली एंजॉय दैट वन, और मुझे लगता है कि लोगों को भी ये करेक्टर बहुत अच्छा लगता है। सो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई रियली डू अप्रिशिएट, और मैं इसी तरह से लुकिंग फॉरवर्ड रहूंगा कि आपके साथ और भी इस तरह से वीडियोज की जाए। तो जो हमारे दोस्त आपके साथ यानी कि इस चैनल पे मौजूद है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे चैनल पे भी तशरीफ लेके आए। अगर आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे यूरोप इन देसीज इन यूरोप, सॉरी हाँ भूल जाता हूँ मैं भी, तो आप वहाँ पे और भी इस तरह की अच्छी वीडियोस आप देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच नुमान फॉर हैविंग मी एंड मिस्टर शानी, थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत सारा नहीं तो थोड़ा सा तो जरूर फायदा हुआ होगा, अगर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करो, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एनएस की हरकतों को और देसी इन यूरोप को जो है वो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, क्योंकि हम ऐसी मसालेदार वीडियोज लेकर आते रहते हैं जिनसे होता है आप लोगों को बहुत सा फायदा। तो उम्मीद करते हैं एक नई वीडियो में होगी मुलाकात, अब तक के लिए चाहते हैं आप सब लोगों से इजाजत, गॉड ब्लेस यू।